आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की महिलाओं को ब्यूटी टिप्स दिए। जी हाँ, शहनाज हुसैन। आज कुछ उनसे जुड़ी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शहनाज हुसैन का जन्म 1940 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन यू बेग के घर हुआ था। बचपन से ही शहनाज की रुचि क्रिएटिव कार्यों में थी। शहनाज हुसैन की सगाई महज 14 साल की उम्र में हो गई। 16 साल की उम्र में शहनाज की शादी हो गई। कम उम्र में ही शहनाज माँ भी बन गई और घर को बहुत अच्छे से संभालने लगी। तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निकाल पाना बहुत कठिन था, पर कहते हैं ना कि अगर सपने साकार करने का जज्बा हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ब्यूटिशियन बनकर लोगों को सुंदर बनाने के सपने को शहनाज ने खोने नहीं दिया। उस समय कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी कम उम्र में माँ बनने वाली शहनाज अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू पाएगी। खुद उन्हें भी अपनी सफलता का इल्म नहीं था। केमिकल युक्त प्रोडक्ट से स्किन कितनी खराब होती है ये बात शहनाज बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने आयुर्वेदिक और शुद्धता से बने उत्पादों की जानकारी के लिए लगभग 10 वर्षों तक लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और कॉपहेगन के प्रतिष्ठित पार्लर्स में प्राकृतिक सौंदर्य प्रणाली की शिक्षा ली। वर्ष 1977 में शहनाज भारत लौटी और अपने पिता से 36,000 रुपए उधार लेकर दिल्ली में ही अपने घर से शहनाज हुसैन हर्बल्स की पहली शुरुआत की। शहनाज हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों की शुरुआत होते ही उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। पहले शहनाज त्वचा संबंधित रोग विशेष के लिए उपचार तैयार करती थी, लेकिन उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने जल्द ही मुहासे, झाइयां, त्वचा की नमी की कमी और एलोपेशिया यानी बालों के गिरने से रोकने के लिए विभिन्न उत्पाद बाजार में पेश किए। 70 के दशक में उनकी काबिलियत को देखते हुए सौंदर्य विशेषज्ञों के वैश्विक सम्मेलन सिडिस्को में शहनाज को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने विचारों से वहां पर मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। वहां पर मौजूद सभा सदस्यों ने एक दिन के लिए उन्हें इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर दिया। इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए शहनाज ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के आयुर्वेद की ओर खींचने का प्रयास किया। अपनी निरंतर सौंदर्य क्षेत्र में प्राप्त सफलता के फलस्वरूप उन्हें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार और विमेन ऑफ द डेकेड अवार्ड 1983 में सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें इमेज इंडिया अवार्ड 1985 तथा फिक्की आउटस्टैंडिंग विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 1986 आदि प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। 90 का दशक आते आते शहनाज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए लोग शहनाज के प्रोडक्ट्स को खास पसंद करने लगे। धीरे धीरे दुनिया भर में शहनाज के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी और लंदन की प्रख्यात हेरॉल्ड से लेकर दुबई की शान सुल्तान स्टोर्स तक शहनाज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने लगे। दुनिया भर में अपने प्रसाधनों की मांग को देखते हुए शहनाज ने एक सफल व्यवसायिक प्रणाली को अपनाते हुए फ्रेंचाइजी के तहत भारत और विदेशों में अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोले, लेकिन उत्तम गुणवत्ता में कमी नहीं आए, इसलिए वो आज भी अपने सभी फ्रेंचाइजी मालिकों को पहले स्वयं प्रशिक्षण देती हैं। शहनाज हुसैन की कंपनी शहनाज हर्बल समूह के 350 उत्पाद से भी अधिक उत्पाद 30,000 आउटलेट्स पर उपलब्ध है और कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 650 करोड़ के पार है। शहनाज ने देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी भारतीय आयुर्वेद को प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में उनकी कंपनी सौंदर्य और सेहत के लिए करीब 400 उत्पाद बनाती है जो विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।